जन जन की अरे जन ये तिरंगा है कि खेतों की हरियाली बागों की खुशहाली खेत खाली हानि की पहचान ये तिरंगा है एकता के इसमें रंग चल जाए नित्य संग हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है। और जिसको जब पर खड़े हुए हैं तब मैं चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं तब कहता हूं कि सीमाओं पे तुम तैनात सर दिगर में दिन और रात सारे देश को तो याद हुकुम पे अभिमान है सीमाओं पे तुम तैनात सर दिगर में दिन और रात सारे देश को तो याद हुकुम पे अभिमान है वो फर्ज साहस पे सब को गुमान है और सदिया चाहे गुजर जाए जाते सबको आए तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है। और लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर तब मैं कहना चाहता हूं कि मांग रहा कश्मीर अफगान की कि मतलब बोलो स्वामी मानो मंदिर को ये गुमान अपनी तो मिट्टी यारो देखो बल जान की कि करे कोई अपमान सहता रहे हिंदुस्तान बात नहीं देखो यारो ये है अभिमान की कि गूंज उठे सिंह नाद वक्त की है ये आवाज मिट्टी में मिला के रखो स्वामी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के अंदर की जो हमारी सरहदें हैं वो तब कहने की कोशिश करता हूँ कि मिल जाए कश्मीर ऐसी नहीं तकदीर ऐसे कैसे बाबू आप मन में सजाते हैं कि मिल जाए कश्मीर ऐसी नहीं तकदीर ऐसे कैसे खाब आप मन में सजाते हैं न मिलेगी धूल वाले बुझाते हैं और हाथ जो उठेंगे यारो भारत के तीन देवियां आज हमारे सामने उपस्थित है। हमारे शव जब गाँव में आते हैं तो वीरांगनाएं क्या कहती हैं कि सुनो मेरे प्राणनाथ नहीं हुए हम अनाथ सारा देश भारत तो साथ में हमारे है कि सुनो मेरे प्राणनाथ नहीं हुए हम अनाथ सारा भारत देश तो साथ में हमारे है और कीर्ति तुम्हारी देखो मेरे कोई चारों सारे है कि इंच इंच में कटे है पग पीछे नहीं हटे बता रहे मुझे तो मित्र तो सारे है और सात जन्म तो मैं बनूंगी तो सुहागन मैंने भी नहीं कोई आभूषण उतारे हैं तब जाकर के कहीं इस मुल्क में आजादी आई होगी। आजादी का जश्न मनाओ मत भूलो कुर्बानी को शाही नहीं लहू से लिखी पढ़ लो अमर कहानी को आजादी की खातिर यारो कितनों ने दी कुर्बानी आजादी की खातिर यारो कितनों ने दी कुर्बानी हंसते हंसते सूली चढ़ गए हाँ हिंदुस्तान भरत वंश के हम वंशज हैं भरत वंश के हम वंशज हैं देखो भूल नहीं जाना भरत वंश के हम वंशज हैं देखो भूल नहीं जाना हिंदुस्तानी शहरों से देखो के संग पत्ती फेरे हैं अपनी पर हम आ जाए तो हिमिग्र भी रास्ता छोड़े अपनी पर हम आ जाए तो हिमिग्र भी रास्ता छोड़े आंधी बनकर टूट पड़ेंगे नदियों के रुखों पर जा पढ़ लो तुम इतिहास हमारा खाकर घासी खाकर रोटी घास फूस की खाकर रोटी घास फूस की हमने हार नहीं मानी अकबर सेना कांप गई थी उसे हुई थी हैरानी आन बान और शान की खातिर आन बान व शान की खातिर पीछे कदम कैसे आई होगी तब मैं आजादी की कीमत के लिए कहता हूं कि आजादी क्या है समय की अपनी सीमा है बड़ी कविताएं सुना नहीं सकते मैं बहुत कम पंक्तियों में अपनी बात समर्थित करता हूं कि कितने सर सूली चढ़े यहां कितने सर सूली चढ़े यहां उनको पानी कितने सर से सिंदूर मिटे कितनों की राखी टूट गई बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई कितनी ही सेज से सकती थी कितने आंगन सूने रह गए ना गूंजी उनमें किलकारी सब कुछ तारों पर लगा दिया जब बची न कोई पाई थी तब ये आजादी आई थी तब ये आजादी दीवाने थे आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे लाल बाल वा पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी क्या कर हम यहाँ गुजर जाएं कतरा कतरा चाहे तन का वतन की खातिर काम आए अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने अरे मिलकर लड़ी लड़ाई थी तब ये आजादी आई थी ताकले आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले करी बगावत अंग्रेजों से अपने उठ नहीं सिले अंग्रेजों ने भी उनको रोक नहीं पाई भाने लड़का है अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है
अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार। जोश की जो आपने जो फिजावी को अभिषेक जी को बुला लूं क्योंकि उनका जो समय है बहुत जाया हो गया है और हम सिर्फ एक रक्षा सुनेंगे चाहे वो 3 मिनट की ही हो अभिषेक जी, क्योंकि हमारे दो बहुत ही वरिष्ठ और वयोवृद्ध कवि हमारे बीच में बैठे और हम उनको सुनना चाहते ही हैं। तो अभिषेक जी आपका स्वागत है और हम जल्दी से आपकी कविता सुनना चाहेंगे। आपका माइक मुझे लगता है कि आज अभिषेक जी का बहुत मतलब बैड डे है। आई एम सो सॉरी कि जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो बहुत लो बता रही है, मेरे यहाँ जो कैप्शन आया है। तो मैं समय को का ध्यान रखते हुए अपने बीच अगली जो कवि बैठे हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। और आप सभी जानते हैं बहुत ही वयोवृद्ध और अभी अनुभवी श्रेणी में रचते हैं और हिंदुस्तान के आधे शहरों में आप कविता पाठ कर चुके हैं और इन दिनों जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन है तो आपको मंचों में जाने की हम किसी को भी जाने का नहीं अनुभव हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी असुविधा। मैं जो महावीर जयंती थी और महाराणा प्रताप जयंती थी और जैनियों का जो कार्यक्रम चल रहा है इन दिनों मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे काफी कुछ नुकसान हो गया। और उनकी बातों से लगा कि आप हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि हैं और हम अधिक देर आपको नहीं रोकेंगे। श्रोताओं, करण जी को मंच पर आप अपनी कविताएं सुनाएं हमें। आपका माइक अनम्यूट है। मैं सिटी लाइव से अनुरोध करूंगी कि उनका माइक अनम्यूट कर दें। अमिता जी, इनके इन्हें वयोवृद्ध मत बन के लिए कौन सा विशेषण इस्तेमाल करूं, लेकिन वो वाकई वो बहुत यंग है और बहुत अच्छे से बात की थी उन्होंने, पर मैं अभी इंतजार कर रही हूँ कि इनका शायद माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। श्रीनिधान चरण जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, मंच पे आपको आमंत्रित करती हूँ मैं। किशोर जी, आप क्या है दादा को बुलाओ, ओमपाल सिंह जी आदरणीय ओमपाल सिंह जी से अनुरोध करते हैं। दादा आप शुरू करें, बीच में उनका चालू होगा तब दादा को लास्ट में अध्यक्ष और करवा लेंगे। जी जी, ये एक्स एमपी हैं और जैसा श्रीनिधान चरण जी ने बताया था कि आप 25 साल पहले भी एक बहुत बड़ा नाम थे जब हमारे बीच ये कोई तकनीक नहीं था, ना फेसबुक था ना व्हाट्सएप था, उस समय भी आप देश के एक ख्यातनाम कवि थे और आज भी आप एक बहुत बड़ा नाम है। आपका मैं मंच पे आदर सत्कार के सर। सबसे पहले आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आदरणीय श्रीनिधान चरण जी को ही प्रणाम करता हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। वो हमारी छोटी हमारी सहेली बेटी, ये सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है। जब हमारा सेल सार्थक मंच पर आया था 95 में, मुझे वो आपने गणना बता दी, तो मैं लगभग 15-16 साल कविता पढ़ चुका था। राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, अचानक सहारनपुर के कवि सम्मेलन में महावीर जयंती पर चार पंक्ति लिख गई थी। उन चार पंक्तियों को ही पढ़ूंगा और जो चार पंक्ति वो है तो 8 बंद की कविता, बहुत समय लगता है, लेकिन चार पंक्ति जो अभी 8 अगस्त को लिखी गई, संजय वो भी मामला से ही पढ़े देता हूँ। स्वागत दादा, उस दिन मैंने पढ़ा, उस दिन मैंने पढ़ा, अचानक मेरा माइक छीन लिया था तो ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कहा कुछ ऐसा लिख दे आज माँ भवानी कृपा से जो, तो किसी को नहीं मालूम था कि आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ था। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की मंदिर का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति का नाम था पंडित बैकुंठ लाल शर्मा, जो 3 बार पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के मेंबर रहे। उन्होंने सूत्रपात किया था 1949 से। दोस्तों वो मुझे अपना बेटा मानते थे, वो सब बताते थे। तो सुने पंक्तियां सरलता से बिना किसी का नाम लिए कि सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम। सुनो सुरेंद्र, सुनना, आज तुम लोगों ने इतनी बढ़िया कविताएं पढ़ी है कि मैं भाव विभोर हो गया हूँ, बहुत तालियां बजाएंगे मैंने। सुनना दोस्तों, सौगाही श्री राम का धाम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो, अपनी क्या औकात
स्वयं का राम कर रहे काम सुनो, चलो, और प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो, के कर सपना साकार अवध का दीघ निवासी, कर सपना साकार अवध का किशोर, कर सपना साकार अवध का मथुरा काशी जाएंगे, कर सपना साकार अवध का मथुरा का प्रणाम। और अब क्योंकि 15 अगस्त का मामला है, मेरे अलग प्रकार के तरीके होते, मेरे अलग तेवर होते किशोर, इसलिए मैं बंधकर नहीं लिखता। आप भवानी की वंदना के साथ कुछ मिनट बचे हैं मेरे पास, और मुझे टुक देना कविता बेटा, जान ये मत चिंता कर वाहिनी, 15 अगस्त पे भी इससे ज्यादा बढ़िया क्या पढ़ूंगा कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे कवि का निभाऊं धर्म, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, तुम्हारे मंच पर कविता जितने लोग बैठे हैं सब मनीषी है किशोर भाई सुनना, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को भैया ज्ञान दे, और ज्ञान रे तू गीत लिखे लेखे विकास के पे भी आज तू प्रचंड रूप धार ले, करना तुझी को है बिना श्रेष्ठ द्रोहियों का इसलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले, हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख पुंग क्रांति का नंगी तलवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए मेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और ये पंक्तियां मेरे मित्रों ने भी आज तक नहीं सुनी होंगी जो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता तो बहुत दिन से हूँ लेकिन कई बार मंच पर नंबर ही नहीं आता, अब क्या करूँ, अब तो जानते हो तन 88 तक ही इतना लिख गया था कि एक बार 79 में 4.5 घंटे में 10 मिनट तो हो सकते 11 नहीं होंगे, 10.25 भी नहीं होंगे, सारा कर देना मैं देख रहा हूँ संजय तुम दोनों को, मुझे उंगली उठा देना मैं बंद हो जाऊंगा ये भी, ठीक है, मेरे सामने ही बैठे हो सार्थक और ये अन्नू बेटी बैठी है हमारी, तुमने कमाल कर दिया आज दोस्तों, आकार कर दिया 15 अगस्त के सपने को, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, फ्री में आजादी नहीं मिली, ये बच्चे ठीक कह रहे थे हमारे, ये बच्चे ही है मेरे बेटे हैं, 3 करोड़ 30 लाख लोग बलि, करोड़ को कोटि कहते हैं, 20 को कोटि नहीं कहते हम, सुने दोस्तों, आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में, आजादी लाने के लिए त्याग बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में, हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, मैं किसी प्रदेश पर मत नहीं करता, किसी दल पर नहीं करता, आम हुई लूट मार रोज ही बलात्कार, सारा देश बांट दिया जाति और वर्ग में, नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, नंगे भिख मंगे और लफंगे बार बार दंगे, देख देख रोते होंगे गांधी जी भी स्वर्ग में। और एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता, हमारी कविता कहेगी और ये बेटी कहेंगी हमारी के 4 पंक्ति क्यों कहते हैं, पढ़ते तो घनाक्षरी है, मैं घनाक्षरी की परिभाषा आज तक नहीं जानता, इसलिए गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पहला कवि सम्मेलन पढ़ा 1971 में, और 78 में महावीर जयंती पर वो 4 पंक्तियां राम जी वाली लिखी गई दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है, सुना मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, के 3 करोड़ 30 लाख लोग बलिदान हुए, 3 करोड़ 30 लाख नहीं, 3 करोड़ 30 लाख लोग बलिदान हुए, जब जाके छुआ आजादी के आसमान को, और इज्जत बचाने हेतु जौहर किए गए हैं, आप तो राजस्थानी बैठे हैं, आपसे ज्यादा कौन झेला है और कौन जानता है दोस्तों, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, इसलिए पढ़ रहा हूं मैं आज इस पर 3 सिटी लाए पर दोस्तों, के आज 3 करोड़ 30 लाख लोग बलिदान हुए, जब जाके छुआ आजादी के आसमान को, इज्जत बचाने हेतु जौहर की अभियान अब्दुल कलाम का भी जारी रहे, अभियान अब्दुल कलाम का भी जारी रहे, घर घर लाना चाहते हो अंशुमान को, तो जाग जाग नौजवान तरीका है मेरा, जाग जाग नौजवान मुट्ठी बीच सीना तान, गुजरात बना डाल पूरे हिंदुस्तान को, और समय हो तो केवल 8 पंक्तियां समुट में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, भगवान राम पे तो बहुत पढ़ी 4 पंक्तियां के नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए, नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए, आरक्षण
भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए, चाहते हो घर घर का विकास आप, यदि शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, बहुत घरों का हो भी गया है, चाहते हो घर घर का विकास आप यदि बेईमान, तीनों चीज याद रखना, रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए, रोकने हैं दंगे घुसपैठ, इशारा ही कर रहा हूँ दोस्तों, और ये चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, यहाँ शीश का मतलब है गान नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ लिखा ही नहीं है, हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरी पंक्ति सुन ले गाने लगोगे, शीश और माँ के मान में से हो चुनाव, यदि शीश झोंका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए, सीमान में से हो चुनाव, यदि हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव, यदि टकराते हैं बहुत लोगों के सांसद भी हैं कुछ तो, हमारे प्रदेश से ही चुने गए, क्षेत्र बताऊंगा तो नाम पता चल जाएगा आपको, राष्ट्रगान गाना चाहिए, और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए, प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव, यदि बात यही थी, हमारे किशोर ने देश का नौजवान विवेकानंद हो जाए, मैं मुझे ध्यान है वो, मैं भूला नहीं हूँ उस पंक्ति को, किसने कहा क्या कहा, बहुत ढंग से सुना है मैंने, जब तुम पढ़ रहे थे ना तो मुझे घोड़े की टाप याद आ रही थी, ऐसा नहीं है पर लगाम लगाती हूँ क्योंकि दो कभी शेष है, एक का तो पिछवाड़ा नहीं बदला अभी, कई बार कहा हमारी बेटी ने कि बैकग्राउंड बदल ले, अरे बैकग्राउंड तो जीवन तो ही बदलता ही नहीं है, जिसका बैकग्राउंड बदल गया धर्म छोड़ भाग गया, वो रहा कहाँ हमारा अपना, क्यों भाई, नए देश के सगे रहे हो बतला रहा अतीत है, जिन्होंने बैकग्राउंड बदल लिया वो देश के कभी सगे ही नहीं रहे, उन्होंने अपना सब कुछ बदल लिया, इसलिए उससे कहे कि वो अपना कुछ जगह बदल ले, बैकग्राउंड न बदले, मैं हंसा भी लेता हूँ, सुनना दोस्तों चार मिनट अद्वैत पर बोलना था, तीन मिनट मिले थे, अब एक ही बात के बोला, बारह मिनट तक ताली बज गई तो क्या करें, सुने के बेला की समापन की सुनने पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया, और हुआ तो शोर मंद हो गया, बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया, और दोस्तों भारतीय मेधा हमारी बुद्धि हमारी सोच, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जान, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया, और लगातार दस दिन आठ आठ घंटे बोल, कितना लगातार दस दिन आठ आठ घंटे बोल, वो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया हम सबको, और आपने जो अध्यक्षता की भूमिका निभाई वो वाकई गरिमा मही रही। मैं समय का जल्दी से सदुपयोग करते हुए मैं हमारे बीच जो श्रीनिदान जी हैं आदरणीय हासिफ श्रीनिदान, हेलो, हाँ जी अभी तो माइक चल नहीं रहा, हेलो हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे सर, आ रहा है माइक, हाँ आप सुनाए, हाँ दादा प्रणाम, जय हो आपकी जय, छोड़ते हैं वही आदत आपकी पड़ी हुई है, आज आपने आनंद कर दिया, मैं तो ये सोच रहा था कि आप सुनाते जाएं सुनाते जाएं, ले मैं आप जब आभारी हूँ कि आपने जो है आज कई वर्षों बाद आमने सामने अपन हुए, अच्छा मैं अब ज्यादा समय हो गया है, एक वयोवृद्ध कवि आपके सामने है, लेकिन मैं वयोवृद्ध नहीं हूँ, क्यों कि मैं निजर जी से 20 साल छोटा हूँ, अगर मेरी उम्र में से 20 साल निकाल दो तो मैं 40 साल का बचता हूँ, इसलिए वह नहीं, फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा कविता पा रहा हूँ, है ऋणी आपका मन से पूरा वतन, है ऋणी आपका मन से पूरा वतन, कर रहा मिट अमल हो गए सौंप कुर तुम गए, लहलहाता चमन सौंप हमको गए, लहलहाता चमन, ये उन वीर शहीदों के नाम से उठा रहा हूं, दादा सुनना किशोर जी कि आओ मिलकर वीर प्रस्तुता इस माटी को नमन करें,
आओ मिल कर वीर प्रसूता इस माटी को नमन काट काट अरे मुंडों को जहां भरती रक्त चढ़ाई थी समरांगण सिर मोर धरा हल्दी घाटी को नमन करे हल्दी घाटी को नमन करे। और सुरेंद्र भाई ने चेत किया दिलादी अजी बहुत अधिक जिससे हारा था उस छोड़े को नमन करे हकीम का सूरी और प्रताप के उस जोड़े को नमन करे एक टांग कट गई मगर स्वामी को सुरे चेतक घोड़े को नमन करे। और कारगिल में एक मेरी दीदी ने कारगिल पे कविता बोली मैं कारगिल पे मुझे याद आ रही है कि हमारे राजस्थान का झुंझुनू जिले का काशी के पास का एक ऐसा नौजवान राजपूत शहीद हो गया जिसे गांव में आई तब सारे ही प्रशासन मिलिट्री के लोग पत्रकार सब वहां थे। आप सोचिए 2 महीने की सुहागन और जिंदगी भर विधवा उस लड़के का क्या हाल होगा जो राजपूत है। एक पत्रकार ने उस लड़की से प्रश्न पूछ लिया किशोर जी बंद हो गई राजस्थानी का एक क्षण सुनिया वो कह रही उसे कि काला गाबा पैन सान सूजी लूंगी काला रे गाबा पैन सान सूजी लूंगी जीवन की फाटोड़ी चार अजी साहेब हुआ शहीद देश की सीमा पर मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी कि 2 महीना का साथ मेरा कुल रीत कान में कह जावे गोदी में वाकी सेनानी आवेगा अजी होता ही मोटार सीमा पर जावेला होता ही पंक्ति और मैं मेरे राजस्थान छोटाता हूँ। संजय भाई देवगढ़ के पास भीम के पास का एक गांव का नीम सिंह जो काश्मीर में अभी पिछले दिनों शहीद हुआ उसके साथ भी संजय देवगढ़ में एक आयोजन था तो पहली रात हम वहां से कभी दूसरे दिन वो उसके बाद शिव शरीर आया तब हम भी वहां चले गए थे तो भी वहां पत्रकार ने प्रश्न किया कि ठाकुर साहब आपके दिल में क्या चलता है तब उसने जो जवाब दिया वो भी सुना ठाकुर साहब क्या चलता है वो कह रही है पिता कह रहा है शहीद का यूं तो कई मर जाते हर रोज ही दंगे जलने की जिद होती हर एक पतंगे में सरहद की रक्षा में दिन रात खड़ा था जो वो हो के अमर लौटा दंगे में। और अब समय हो एक गीत पढ़ना चाह रहा हूँ नहीं तो यही विराम करता हूँ एक गीत सुना देता हूँ 5 मिनट का गीत है नीरज जी सुनना जी। वतन की आन पर लिखो वतन पर लिखो और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो वतन की आन पर लिखो वतन की शान पर लिखो किस पे लिखे हम संजय भाई किस पे लिखे के लिखो पे खड़ा हुआ है भारत माँ की रक्षा है हित सीमा पर जो खड़ा हुआ है दुश्मन की छाती के ऊपर भाले के सम गड़ा हुआ है ले मौत हाथ में खड़ा उनसे मुंह को मोड़ जो पीड़ा चीन से उसमें जले शैतान पर लिखो वतन की आन पर लिखो वतन की शान पर लिखो लिखो उन दीवानों पर जो चलते पर छहलिए कष्ट पर आहन की प्राणों तक की परवाहन की जो दीवारों में चुने गए क्या बंद हो गया क्या टाइम हेलो हेलो जी। नहीं अगर समझ नहीं तो बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं मुझे हेलो लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर हंसते हंसते फांसी चढ़ गए जय हिंद के नारों पर सहलिए और गोलियों से भुने गए जलियांवाला बाग की
दास्तान पर लिखो वतन की शान पर लिखो वतन की शान पर लिखो के सत्य अहिंसा ज्यादा झुक जाते हैं लेकिन जो आंख दिखाता हो हथियारों पर इतराता हो हम उसको सबक सिखा देते मिट्टी में उसे मिला देते जो मिटा के कर देखा को कि अपने खून पसीने से भारत माता को सींच रहा है अजी बैल चले गए ब्याज के पेटे हाथों से हल खींच रहा है धरती माता का उदेता खुशहाली उस पर उपकारी कर्मवीर किसान पर लिखो वतन की आन पर लिखो वतन की शान पर लिखो के समर भूमि में वाड़ की महिमा लिखो हल्दी घट का पर झुका नहीं जो कदम बढ़ा फिर रुका नहीं स्वामी भक्ति थी बेमिसाल कट गई टांग पर कर कमाल प्रताप के साथी चेतक है बलिदान पर लिखो वतन की आन पर शिवाली रानी पर शीश काट कर सौंपी जिसने आड़ी की सेनानी पर लिखो जौहर की ज्वाला पर जल गई सैकड़ों बाला पर हंसती हंसती सुट कटा दिया संकटन की आन पर लिखो वतन की शान पर लिखो और गीत का आखिरी बंद अरे ये वो ऐसा देश जगत में जिसका कोई निशानी है अजी ये वो ऐसा देश जगत में जिसका कोई निशानी सिख ईसाई मिलकर रहते भाई भाई सब धर्मों का है मान जहाँ राखी होली रमजान जहाँ नानक कबीर मीरा तुलसी रस खान पर लिखो वतन की आन पर लिखो और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो जय हिंद जय भारत नमस्कार सिटी केबल का आभार धमाकेदार धमाकेदार प्रस्तुति आपने जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है सब धर्मों का भी हो सकती थी वो आपने दी है आपका एक जादुई व्यक्तित्व है आप सभी जनों का जो यहाँ पे मौजूद है आप सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं और समय हालांकि बहुत ज्यादा हो गया मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे कितना लंबा चल रहा होगा लेकिन आपका और विख्यात सम्माननीय कलमकार हैं कवि हृदय हैं आप सभी का अभिषेक जी अनुसुगानी जी सुनीता बिश्नोलिया जी और किशोर पारी किशोर जी जो संयोजक ही हैं हमारे साथी और मृदुला कोठारी जी कलकत्ता से मीरू जी भरतपुर से सबसे जादुई व्यक्तित्व वाले जो बैठे हैं हासी व्यंगकार लेकिन आज आपने हासी नहीं सुनाया सर मैं इंतजार कर रही थी तो श्रेणी दान चरण जी का उदयपुर से तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ओम पाल सिंह जी निडर जी का जो प्रोफेसर हैं आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ समय की पाबंदी रह दर्शक हैं श्रोतागण जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेके आते रहेंगे और फिर से हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए मैं आपसे और हम सभी आपसे इजाजत लेना चाहते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।